स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल में। IPL के 13वें सीजन का 8वां मुकाबला शनिवार को कोलकाता नाइट राइजर्स और सनराइज हैदराबाद के बीच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले दोनों ही टीम अपना पहला मुकाबला मैच हार चुकी हैं। जी हां, आपने सीजन का पहला मैच मुंबई के खिलाफ खेला था। इस मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा था। मुंबई ने KKR को 49 रनों से हराया था। कोलकाता नाइट राइजर्स ने 2013 के बाद पहली बार किसी सीजन का पहला मैच गंवाया था। इस मैच में रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। इस मैच में KKR के स्टार गेंदबाज पैट कमिंस की जमकर धुलाई हुई थी। कमिंस ने कुल 3 ओवर में 49 रन लिए। में रॉयल चैलेंज बेंगलोर के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। RBC ने SRH को उसके पहले मुकाबले में 10 रन से हराया था। शनिवार को होने वाले मुकाबले में दोनों ही टीमों की निगाहें सीजन की पहली जीत पर होगी। दिनेश कार्तिक की अदुवाई वाली KKR की टीम की खिलाड़ियों में बहुत अधिक बदलाव की गुजारिश हो सकती। जी हां, वही सनराइज हैदराबाद में एक बार आध बदलाव की संभावना है। बात की जाए सनराइज हैदराबाद की टीम में कौन कौन से खिलाड़ी होंगे, बता दें डेविड वॉर्नर कप्तान, अभिषेक शर्मा, वासिक थप्पी और भुवनेश्वर कुमार, विलेट जैसे जॉनी किंग विलियन, मनीष पांडे, मोहम्मद नबी, वासिद खान, संदीप शर्मा, शाहजहाबाद नदीम, कार्तिक जैसे महान खिलाड़ी होंगे। जी हां, बात की जाए कोलकाता नाइट राइजर्स की पूरी टीम में कौन कौन से खिलाड़ी होंगे, तो बात की जाए दिनेश कार्तिक कप्तान व उप कप्तान से